गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं नमेश राज और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राज टेक्निकल एनालिसिस। आज का डेट है 15 नवंबर 2021। आज हम लोग जिन शेयर्स के ऊपर मंथली प्रीव्यू कर रहे हैं वो है एनटीपीसी, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों ज़रूरी है, एनएमडीसी प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है, और एनएचपीसी जो मैंने पहले भी बोला था जब से ये वीडियो बनाया है कि ये लॉन्ग टर्म का शेयर है। तो वीडियो अगर आप इन तीनों शेयर में किसी पे भी इन्वेस्ट कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, और वीडियो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं टिप्स मिलता है जो आपको शेयर एनालिसिस करने में काफ़ी मदद करता है। साथ में आप कोई भी कंपनी के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स पर बताइए ताकि मैं उस पर जल्द से जल्द रिसर्च करके वीडियो बना सकूँ। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मेरे चैनल की यूएसपी ये है कि मैं आपको डेट के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने की कोशिश करता हूँ। मेरे चैनल की दूसरी बड़ी यूएसपी है कि मैं यहाँ पे हर फ्राइडे सैटरडे संडेज मंथली प्रीव्यू बनाता हूँ। इससे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं अगर वो इन शेयर्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं तो उनको हर महीने इन शेयर्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपडेट होते रहते हैं। और मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने काम करते हैं इसके लिए आप मेरे मंथली प्रीव्यूज़ के कोई भी 10 वीडियो निकाल के चेक कर सकते हैं। साथ में आप मेरी प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने आप लोगों के लिए कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब बात करते हैं आज हम लोग जिन शेयर्स के ऊपर मंथली प्रीव्यू कर रहे हैं, बट इससे पहले आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पर जरूर देखिए जहां पिछले महीने इन्हीं तीनों शेयर्स का मैंने मंथली प्रीव्यू किया था। बात करेंगे एनटीपीसी की, एनटीपीसी कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पर जरूर देखिए। एनटीपीसी का मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 11 अक्टूबर 2021, जब इसकी क्लोजिंग थी 144.80, सपोर्ट 1 था 115, सपोर्ट 2 130, सपोर्ट 3 145, रेजिस्टेंस 1 145, रेजिस्टेंस 2 160 और रेजिस्टेंस 3 दिया था 175 का। एनटीपीसी आज की डेट पर अगर आप देखेंगे 15 नवंबर 2021 को इसकी जो क्लोजिंग है 137.15 है, सपोर्ट 1 सेम है 115, सपोर्ट 2 130, सपोर्ट 3 145, रेजिस्टेंस 1 145, रेजिस्टेंस 2 160 और रेजिस्टेंस 3 आपका 175। हाइस्ट अगर आप इसका देखेंगे ये है 152.10 और इसका इस महीने का जो लोएस्ट है वो है 128.55। अब बात करेंगे एनएमडीसी की, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया प्रॉफिट बुकिंग भी ज़रूरी है। अब एनएमडीसी कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पर ज़रूर देखिए। एनएमडीसी का जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 11 अक्टूबर 2021, तब इसकी क्लोजिंग थी 153.05, सपोर्ट 1 दिया था 140 का, सपोर्ट 2 155, सपोर्ट 3 170, रेजिस्टेंस 1 था 185, रेजिस्टेंस 2 195 और रेजिस्टेंस 3 दिया था 210 का। एनएमडीसी आज के डेट पर अगर आप देखेंगे 15 नवंबर 2021 को इसकी जो क्लोजिंग है 140.20 है, सपोर्ट 1 130, सपोर्ट 2 140, सपोर्ट 3 150, रेजिस्टेंस 1 160, रेजिस्टेंस 2 170 और रेजिस्टेंस 3 है 180। हाईएस्ट अगर आप इसका देख रहे हैं ये 159.60 है और इसका इस महीने का जो लोएस्ट है 133.10। एनएमडीसी अगर आप देखेंगे 200 डे EMA के नीचे आ चुका है, तो डेफिनेटली आप इसको अपनी वॉच लिस्ट पर रखिए, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आप इसे ऐड कर सकते हैं क्योंकि अब ये अच्छे सपोर्ट जोन पर आ चुका है। बात करेंगे एनएचपीसी की, एनएचपीसी कंपनी क्या करती है, कौन सी कैटेगरी में आती है, ये सारा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप ये ऊपर दिए हुए लिंक पे जरूर देखिए। एनएचपीसी का जब मैंने इसमें वीडियो बनाया था तब आप लोगों को कहा था एज पर वैल्यू आप कुछ शेयर ऐड कर सकते हैं, जो मैं स्टॉक मार्केट टिप्स में हमेशा बोलता हूँ 100 से नीचे होगा तो आपको कितने शेयर्स बाई करने हैं। और आप देखिए अगर आई थिंक अराउंड 24 के रेंज पे मैंने वीडियो बनाया था और इसका हाईएस्ट ये 37 तक गया, यानी कि अगर आपने 100 भी शेयर लिए रहते 4-5 महीने में 1000 रुपये भी आपने कमाए, नथिंग इज़ बैड। और सेकेंड चीज़ आपको, लेकिन ये बड़ा है तो मैं उस बेसिस पर नहीं बोल रहा हूँ, अगर सोचो शेयर कम भी होगा, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर आप कम वैल्यू वाले शेयर्स लेते हैं मैक्सिमम अगर आप शेयर खरीदेंगे तो उसमें एक प्रॉब्लम है, बढ़ गया तो आपको अच्छा लगेगा। आप सोचो आपने 10,000 लिए, 2,000 शेयर लिए, 1 रुपये बढ़ता है तो आपको लगता है 2,000 आते हैं, बट वहीं पर अगर वो रिवर्सल लेते हैं 1 रुपये कम होता है तो 2,000 जाता भी है। एंड अगेन जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ये एक अलग स्ट्रेस रहता है कि आप पेनी शेयर्स हैं, हम पेनी शेयर्स को वैल्यू वाइज नहीं शेयर वाइज अगर लेंगे तो डेफिनेटली जो स्टॉक मार्केट टिप्स पे मैंने आप लोगों को बताया आप वैसा करेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने प्रॉफिट अमाउंट लीजिए और पेनी शेयर्स पे इन्वेस्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गलतियां मत करना, बढ़ जाएगा तो आपको अच्छा लगता है, बट आपको भी मैंने पहले भी बताया हुआ है 10 में से 2 पेनी शेयर्स ऊपर जाते हैं 8 नीचे आते हैं। ओके,
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जैसे मैं आपको सपोर्ट करता हूँ सही सपोर्ट और रेजिस्टेंस देकर, उस तरह आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे आपके फैमिली फ्रेंड्स पर फॉरवर्ड कीजिए जो लोग भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ताकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँच सके। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।